लास्ट टाइम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक नया टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सेवंथ चैप्टर आपकी बुक का है ये। तो इसका आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज की जो थ्योरी है वो आज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब नाइन्थ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू पॉइंट्स, तो लाइक एक्स वन कॉमा y1, देर आर टू पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाया जाता है, जिसमें एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। तो यहां पे अगर मुझे a और b दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो इवेल्युएट करना है, तो इसको हम थ्रू द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन और करूंगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैंने ए पॉइंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया और बी पॉइंट के परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर दिया है। अब जो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम एक नाम दे देते हैं सी। अब इस सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होंगे। देखिए, जो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा एक्स टू। और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो इस वाले के वाई की हाइट के बराबर रहेगा ए के, तो इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा y1। अब मैं क्लियर कट अगर डिस्टेंस निकालना चाहूं AC और BC का निकाल सकता हूं। देखिए, AC का जो डिस्टेंस है, यहां पे y का कोई डिफरेंस नहीं है, तो x का डिफरेंस है, दैट इज AB की जो लेंथ है वो होगी x2 - x1। देखिए, मान लीजिए यहां पे कोई डिस्टेंस है जो कि 2 पॉइंट्स पे है और ये जो डिस्टेंस है ये 5 पॉइंट्स पे है, तो जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो 5 -2 रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है x2 - x1 है। सिमिलरली जो BC का डिस्टेंस है वो है y2 - y1। अब हमारे पास AC भी है और BC भी है। What we actually need to find is AB। जो AB है वो एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, जो ABC एक ट्रायंगल है इसका अगर ये हाइपोटेन्यूस है, तो AB स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है, वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AB की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रहेगी, राइट? तो अब हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहां से। तो AB की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू AC। AC हमने अभी वैल्यूएट कर लिया, वो क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही BC जो है वो क्या है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में एप्लीकेशन बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं हमारे पेपर में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है, जो कि होती है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम एक एक एप्लीकेशन के बेस पे हर तरह का एक क्वेश्चन करेंगे अभी, ताकि जिससे आपको और अच्छे से इसको अप्लाई करना आ सके। दूसरा जो टॉपिक रहता है इसके अंदर, टू चेक फॉर कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स। आपको दिया जा सकता है कि तीन पॉइंट्स है, आप चेक कीजिए ये कोलिनियर है कि नहीं है। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दिया गया है ए बी एंड सी, तो तीन पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, आपको बोला जाता है चेक कीजिए कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर क्या होता है कि ये एक लाइन के ऊपर है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए बी का डिस्टेंस होगा प्लस बी सी का डिस्टेंस होगा ये ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, कोलिनियरिटी नहीं होती, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी से हमेशा ज्यादा होता, ये ध्यान रखना आपने। तो थर्ड जो कंडीशन है, एप्लीकेशन है इसकी, क्या है, एक आपको क्या दे दिया जाएगा, ट्रायंगल दे दिया जाएगा। तो एबीसी एक ट्रायंगल दे दिया गया है आपको और बोला जाता है चेक करो वेदर दिस इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, एबी बीसी और एसी तीनों की आपको क्या निकालनी होगी, साइड्स की लेंथ निकालनी होगी। अब अगर तो दो साइड्स इक्वल आ गई तो आइसोसेलस ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर कोई भी तीनों साइड्स इक्वल ना आए तो स्केलिन ट्रायंगल। अब एक और टाइप का इसके अंदर ट्रायंगल जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपको जज करना पड़ता है आफ्टर, जब आप इसको साइड्स को निकाल लेते हो, तो उसके अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, मतलब कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है, तब हम उसको कहेंगे दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थोड़ा हमें वर्कआउट करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में,
देन वी हैव अ कंडीशन फॉर इक्विडिस्टेंस, आपको दे दिया जाएगा कि दो पॉइंट्स हैं, उनसे एक पॉइंट आप निकालिए जो कि इससे इक्विडिस्टेंट है, आपको कंडीशन दे देंगे कि ये जो गिवन पॉइंट था जिससे आपका दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट है, वो हो सकता है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे आपको दे दिया जाए, कुछ ऐसी कंडीशन भी दी जा सकती है जो कि बुक में आपके क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट ऑफ, देखिए इसका एक्स वन और इसका एक्स टू, ये दोनों का डिफरेंस मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है यहाँ पे 1 और माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो इनको x वालों को आपस में डिफरेंस करना है, y वालों को आपस में डिफरेंस करना है और उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है और उनका अंडर रूट ले लेना है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसका आंसर रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। So this is the distance between these two points. तो अब हमारी next application जो है वो है collinearity की condition के ऊपर। तो determine if the points these, this, this and this, तीन points आपको दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि whether they are collinear or not। तो आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है कि अगर तीन points को collinearity condition के लिए check करना है तो A, B, B, C और AC का distance ये आपको निकालने होंगे और देखना होगा कि ए बी प्लस बी सी या किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल ना आए। अगर तीनों दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो हम कहेंगे ये कोलिनियर नहीं है। तो ए बी का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, सिंपल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये अंडर रूट ऑफ 5 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है अंडर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो प्लस इसी तरह से यहाँ पे जो है माइनस 11 माइनस 3, तो माइनस 14 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा जिसका सम आएगा 212 विच इज 2 रूट 53 फैक्टराइजेशन करने के बाद। देन CA की जो वैल्यू है ये निकलती है माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 9, और प्लस अगेन यहाँ पे क्या है माइनस 16 का स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर, जब इसको ऐड अप करोगे ये बनेगा आपके पास 265 का रूट। तो यहाँ पे किन्हीं भी तीन का सम दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल ए बी प्लस बी सी जो है ये कंपेरेबल है ही नहीं क्योंकि रूट 53 और रूट 5 ऐड नहीं हो सकते, तो इट इज नॉट इक्वल टू ए सी। या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना के देख लीजिए, ए बी प्लस सी ए इक्वल टू बी सी, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता। So hence we will say these points are, this implies A, B, C are not collinear. तो ये collinear नहीं है। चलो हम next question देखते हैं, whether these points, तीन points हमें दिए गए हैं that these are the vertices of an equilateral or an isosceles triangle, जैसा कि मैंने आपको third application बताई थी। तो थर्ड एप्लीकेशन में क्या रहता है कि हमें ट्रायंगल की साइड्स को इवेल्युएट करना होता है, तो हम तीनों साइड्स को जैसे कि ए बी बी सी और ए सी, तीन ही कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं, इन तीनों को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ए बी की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए इसको माइनस 2 माइनस दिस, तो ये बन जाएगा आपके पास ये माइनस 2 और माइनस 4, सॉरी यहाँ पे मैं ए सी की वैल्यू ले गया यहाँ पे। So, AB की वैल्यू के लिए 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास बनता है माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36, तो ये वैल्यू आती है रूट ऑफ 37। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, BC की वैल्यू निकालते हैं। तो BC की वैल्यू में क्या रहता है, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का, 4 माइनस ऑफ माइनस 2, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे भी वैल्यू जो आ गई 1 प्लस 36 विच इज रूट 37 आ गई है। तो आइसोसेलेस तो यहाँ से क्लियर हो गया है, बट वी हैव टू चेक और रूल आउट कि वेदर दिस इज एन आइसोसेलेस और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमें AC की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो दैट इज 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये सिर्फ आपका बनता है, ये तो 0 बन गया यहाँ पे और यहाँ पे बना माइनस 2 का स्क्वायर, सो विच इज ऑनली 2, तो रूट ऑफ 4 इज ऑनली 2।
सो यहां से क्लियर हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट right?